हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कोरोना वायरस का एक ही पेशेंट अस्पताल में उपचाराधीन है और इस पेशेंट का टेस्टिंग कल होना है और ये सिरमौर जिले का पेशेंट है और उम्मीद है कि ये भी नेगेटिव पाने पर डिस्चार्ज हो जाएगा। वो डिस्चार्ज होने के उपरांत हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश कोरोना फ्री हुआ। ये कहना असंभव है कि कोरोना का कोई केस हिमाचल में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आगे की टेस्टिंग पर पता लग सकता है। इसका श्रेय हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हिमाचल सरकार और हिमाचल की जनता को जाता है, लेकिन पूरा भारतवर्ष में इस वक्त 40,000 से ऊपर केसेस हैं और 1,300 से ऊपर लोग मरे हैं। इस कारण से हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि वी हैव वन द फर्स्ट बैटल एंड वॉर इज एट टू बी वन। आगे बहुत हमारे सामने चैलेंजेस है, इसलिए पूर्ण रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारत सरकार के आदेश के मुताबिक जो सीनियर सिटीजन 65 साल के ऊपर उम्र वाले हैं, जिनको मेडिकल समस्या है, प्रेग्नेंट वुमेन और 10 साल के नीचे उम्र वाले बच्चे अनावश्यक बाहर ना निकले। अगर मेडिकल कंसल्टेशन की जरूरत हो तब निकल सकते हैं, या किसी अन्य आवश्यकता के अनुसार निकल सकते हैं। ये आदेशों का पालन हम सबको करना है। जो माइग्रेंट लेबरर्स या कोई भी लेबरर जो है कंस्ट्रक्शन काम में इन्वॉल्व है, वो पूरा दिन का काम कर सकता है, क्योंकि उसे पूरा दिन का वेज मिलता है। इसलिए पुलिस अननेसेसरी इन वर्कर्स को ना रोके। हमारे नॉलेज में आया है कि चंबा में एक गाड़ी विदाउट कर्फ्यू पास दिखाए एकदम तेजी से चला और उस पर मुकदमा चलाया गया। पोंटा साहिब में एक मोटरसाइकिल राइडर को पुलिस वाले रोकने पर वो पुलिस वाले को घसीटते ले गया, इस पर भी मुकदमा चलाया गया। हमें पता होना चाहिए इस वक्त पुलिस वाले डॉक्टर्स, नर्सेस, आशा वर्कर्स समाज के लिए डेडिकेटेड है, अपना व्यक्तिगत समस्या भूल के काम में डटे हैं। इनको सम्मान करना हम सबका फर्ज है। किसी तरह का कानून का उल्लंघन पर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। देश में एक सर्वे के मुताबिक 2018 में सिर्फ 29.9% लोग, 30% से भी कम लोग पुलिस को पसंद करते थे। आज सर्वे के मुताबिक 69.9% लोग, लगभग 70% लोग पुलिस को पसंद करने लगे हैं। यह संतोषजनक स्थिति है। मैं उम्मीद करता हूं हिमाचल में ये राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर परसेंटेज होगी। बैंक्स जो ईएमआई पेमेंट्स को 3 महीने तक रोक लगाई है, लेकिन कुछ फ्रॉडस्टर्स मैसेजेस भेज रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इस पर सबको सतर्क रहना है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, इस पर भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो हिमाचल से बाहर राज्यों से हिमाचल आए हैं, उन्हें हिमाचल में स्वागत है। सरकार हिमाचल वासियों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार साथ ही हिमाचल वासियों का हित का भी ध्यान रख रही है। जो लोग बाहर से आए उनको एक सजा के तौर पर क्वारंटाइन में रहने के लिए नहीं कहा गया है। होम क्वारंटाइन में रहना एक सजा नहीं है। सिर्फ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के मुताबिक किसी एक कमरे में जहां पे टॉयलेट की सुविधा हो वहां रहे, मास्क पहने, घर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और यूटेंसिल्स अलग से इस्तेमाल करें, चाहे आपके अंदर कोई सिम्टम हो या ना हो। इन आदेशों का पालना करना आवश्यक है। यह किसी प्रकार का सजा नहीं है।
घर के अंदर भी डिस्क्रिमिनेट ना करें, गांव के अंदर भी गांव के लोग किसी पर्टिकुलर फैमिली को या पर्टिकुलर लोग जो बाहर से आए उनको किसी तरह का डिस्क्रिमिनेट ना करें। ये एक मेडिकल एडवाइजरी है, इसमें कोई भी दोषी नहीं है, यह बात हम सबको समझना चाहिए। WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए तथा कोरोना वायरस पेशेंट के लिए शराब पीना हानिकारक है, हमारा इम्यूनिटी इससे कम होता है और वायरस का संक्रमित होने के उपरांत अगर शराब पीते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता है, इसीलिए शराब को भी मना किया गया और सिगरेट को भी मना किया गया। और ड्रग्स का अगर हम लेने का आदि है, अगर पिछले 45 दिन से अगर हमने ड्रग्स को छोड़ा है, सिगरेट को छोड़ा है, शराब को छोड़ा है, इसको परमानेंटली छोड़ना चाहिए, हमारा माइंड कंट्रोल होना चाहिए, आदतों पर हमें कंट्रोल होना है, आदत हमारे को कंट्रोल ना करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी यही बात कहते हैं, यू सी द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स, यद भाव तद भवति। स्वामी विवेकानंद जी को एक बार मैसूर के महाराजा एक सिल्वर हुक्का देते हैं, वो हुक्का पीने लगे और हुक्का पीने का एंजॉय भी करते रहे। एक दिन एक लड़का नौकर उस हुक्का की तरह बड़ा पसंद करते हुए देख रहा था, तो एकदम उन्होंने वो चांदी का हुक्का को उस लड़के को दे दिया और तब से उन्होंने हुक्का का सेवन करना बंद कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी माइंड को कंट्रोल करते थे, किसी भी आदत को किसी भी क्षण रोक सकते थे, उनको कई तरह का कंफर्ट्स ऑफर किया गया, वो सबका त्याग किया। इस माइंड वॉज वेरी स्ट्रांग, हम सबको एक स्ट्रांग माइंड बना के इन तमाम आदतों को इस हालात में छोड़ देना चाहिए। शराब पीना गरीबी, डोमेस्टिक वायलेंस और बहुत सारे अपराधों का मुख्य कारण बन चुका है। हम लोग पेन्स भूलने के लिए शराब पीते हैं, लोग कष्ट झेलते हैं इस वक्त कष्ट को भूलने के लिए शराब पीते हैं। पेन्स PAINS डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कहते हैं स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव सिचुएशन। इस हालात को सही इस्तेमाल करते हुए हम शराब पीने का आदत को छोड़ देना चाहिए। मैं खास तौर पर पुलिस वालों को कहना चाहता हूं, लोग पुलिस वालों को 24/7 ड्यूटी पर अपेक्षा करते हैं। मुझे कई बार लोगों ने शिकायत की है कि रात को 11 बजे 12 बजे जब मौके पर पुलिस पहुंचता है, SHO पहुंचते हैं, वो शराब पिए हुए हैं, इतराज करते हैं। इसलिए पुलिस की नौकरी और शराब की कंजम्पशन ये कभी साथ नहीं जा सकता है। इस आदत को पुलिस वालों को छोड़ना उचित होगा, इस हालात में उनको भी ये आदत छोड़ना चाहिए। शराब पीने से और पी के काम करने से हमारा व्यवहार में भी फर्क पड़ सकता है, हम लोगों के साथ रफली बिहेव कर सकते हैं, हो सकता है हम गालियां भी दें, कस्टडी में हम कस्टोडियल टॉर्चर शुरू करें, इससे कस्टोडियल डेथ भी हो सकता है। इसलिए पुलिस नौकरी में लोगों का अपेक्षा यह है कि देर इज नथिंग कॉल्ड आफ्टर द ड्यूटी आवर्स इन द केस ऑफ SHO और अदर स्टाफ ऑफ पुलिस स्टेशन। इसलिए हमको सोचना चाहिए कि यह असंभव है कि हम पुलिस थाने का ड्यूटी भी करें और साथ में शराब भी पिए, यह आदत छोड़ने का यह सही मौका है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। मैंने पहले भी कहा था कि डेनवर का एग्जाम्पल ड्यूरिंग स्पेनिश फ्लू, फर्स्ट सक्सेस के बाद लोग क्लब और पब में मिलने लगे, डांस करने लगे और उसके उपरांत स्पेनिश फ्लू का कहर डेनवर में चला और हाईएस्ट मृत्यु डेनवर में हुई थी। इसलिए किसी भी समय हम किसी तरह का लीनियंसी
नहीं बरतना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए और लॉकडाउन डायरेक्शंस को पालना करना चाहिए। सावधानी रही तो जान भी है जहां भी है, सावधानी घटी तो जान के साथ जहान भी खत्म होगा। धन्यवाद। जय हिंद।